में कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली युवती के साथ पड़ोस में ही रहने वाले चार युवकों ने चाकू दिखाकर बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसमें पीड़िता के पिता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत की थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। युवती ने बदनामी के डर से शुक्रवार देर शाम ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। आनन फानन में युवती को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका की मां का आरोप है कि घर से सामान लेने निकली किशोरी को आरोपी युवक ने बात करने के बहाने से बुलाया और उसके बाद चाकू दिखाकर उसके साथ बलात्कार किया। वहीं मृतक के पिता राम मिलान का कहना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और यह कहते रहे कि अभी हमें कोई प्रार्थना पत्र नहीं मिला है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने कहा कि एक व्यक्ति के द्वारा तहरीर दी गई कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, जबकि इस मामले में परिजनों का साफ कहना है कि अगर प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई की होती तो घटना को अंजाम देने वाले आरोपी जेल की सलाखों के पीछे होते और शायद एक मासूम की जान बच जाती। कल कोतवाली अयोध्या में रात को 9 बजे बाग बीजेसी निवासी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि उनकी पुत्री के साथ में 2 तारीख को एक उसका परिचित राहुल जो है वो उसको ले जाके गलत कार्य किया है। वहाँ पर उसके कई दोस्त मौजूद थे जिन्होंने उसका एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को इस राहुल ने वायरल करने के लिए उससे 1 लाख रुपये की डिमांड की। ये लड़की उसकी वजह से परेशान थी और इसने कल 14 तारीख को अपने पिताजी को ये बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और इसके पिताजी से फिर उसके बाद परेशान होकर इसने कोतवाली अयोध्या स्टेशन जाकर वहाँ पर ट्रेन के सामने इसने आत्महत्या कर ली। कल पहली बार इसके पिता ने रात को 9 बजे पुलिस को आकर जो प्रथम सूचना दी, इसको देख के तत्काल जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 376, 354 IT एक्ट, पॉक्सो एक्ट वगैरह धाराएँ, सभी धाराएँ संगीन धाराएँ इसमें लगाई गई हैं। वह इसमें कई लोगों को गिरफ्तार करके उस पर पूछताछ की जा रही है और इसमें जो अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार करके जल्दी ही इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी।